दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में हमारी दिनचर्या कुछ इस प्रकार हो चुकी है कि हमें जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, वो हमें तुरंत ही चाहिए। हम उसके लिए सब्र नहीं करना जानते, ना ही हम सब्र रख सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वह उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है, जिसके लिए वह कुछ दिन प्रयत्न भी करता है, अपनी कोशिशें जारी रखता है। लेकिन कुछ दिन बीतते बीतते वह अपने सब्र को खो देता है और फिर उस लक्ष्य को पाने की जो भी कोशिशें, जो भी प्रयत्न उसे करने चाहिए, वो उस पर ध्यान नहीं देता और अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को यूं ही अधूरा छोड़ देता है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। तो आज हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि हमारे जीवन में धैर्य यानी सब्र का क्या महत्व है और इसे हमें अपने जीवन में क्यों उतारना चाहिए। ये कहानी बहुत पहले की है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव के सभी लोग महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनना चाहते थे। उन्होंने सभी लोगों को एक जगह आमंत्रित किया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उस जगह पर इकट्ठा हो गए। पहले दिन जब महात्मा बुद्ध उस सभा में गए और वहां पर उन्होंने इतने सारे लोगों को देखा, तो वो कुछ देर यूं ही खड़े होकर देखते रह गए। महात्मा बुद्ध ने अपने चारों तरफ देखा, उनके चारों तरफ गांव के लोग बैठे हुए थे और महात्मा बुद्ध ये जानते थे कि उन गांव वालों को उनका प्रवचन सुनना है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने चारों तरफ ध्यान से नजर दौड़ाई और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और उस सभा से वो चले गए। महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए लगभग गांव का हर एक व्यक्ति वहां मौजूद था। लेकिन महात्मा बुद्ध की इस तरह का व्यवहार देखकर वे लोग बहुत ही हैरान रह गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि महात्मा बुद्ध सभा में आने के बाद भी उन्होंने प्रवचन नहीं दिया और वो यहां से यूं ही चुपचाप चले गए। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य भी ये सब देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि महात्मा बुद्ध सभा में आए हों और उन्होंने प्रवचन ना दिया हो। लेकिन उन शिष्यों में से किसी ने भी महात्मा बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया और कुछ देर बाद वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक एक करके अपने घर की ओर चल पड़े। अगले दिन फिर से एक बार उस सभा को आयोजित किया गया, सभी को आमंत्रित किया गया। लेकिन दूसरे दिन वहां पर उपस्थित गांव के लोगों की संख्या पहले दिन के मुकाबले काफी कम हो चुकी थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पहले दिन का व्यवहार देखकर कुछ लोग उस सभा में आना नहीं चाहते थे, जिस कारण वहां पर महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए बहुत कम लोग उपस्थित हो पाए थे। उस सभा में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध आए। उन्होंने खड़े होकर इधर उधर नजर दौड़ाई
उन्होंने चारों ओर देखा और उसके बाद वो फिर से बिना कुछ कहे अपने आश्रम की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य और वहां पर आए सभी गांव के लोग यह सब देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे कि हमने कल भी इसी तरीके का नजारा देखा था और आज भी महात्मा बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया। हमसे कोई कमी तो नहीं रह गई या फिर हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिस कारण महात्मा बुद्ध बार बार सभा में तो आ रहे हैं लेकिन कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर से गांव के सभी लोग निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़े। वहां पर उपस्थित महात्मा बुद्ध के सभी शिष्यों में से किसी ने भी महात्मा बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। ठीक अगले दिन फिर से सभा को आयोजित किया गया, लोगों को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन अब की बार गांव के लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। केवल 50 लोग ही वहां पर आए हुए थे। फिर महात्मा बुद्ध उस सभा में आए। कुछ मिनटों तक वो खड़े होकर इधर उधर देखते रहे और उसके बाद चुपचाप बिना कुछ कहे वो फिर से सभा छोड़कर अपने आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। यह सब देख अब की बार उन गांव वालों को बड़ा ही क्रोध आया। उन्हें लगा कि लगता ही ये कोई पाखंडी है जिसे कोई ज्ञान नहीं। सभा में आता है, इधर उधर देखता है और चला जाता है। लगता है इसे कोई ज्ञान नहीं, इसकी सभा में हमें नहीं आना चाहिए। क्रोधित होकर सभी गांव वाले अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और अब की बार भी महात्मा बुद्ध के सभी शिष्यों में से किसी ने भी महात्मा बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। उसके ठीक अगले दिन एक बार फिर से सभा को आयोजित किया जाता है, सभी को आमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन अब की बार लोगों की संख्या और भी कम हो जाती है। गांव से केवल 30 लोग ही उस सभा में उपस्थित होते हैं। फिर से महात्मा बुद्ध उस सभा में आते हैं, खड़े होकर इधर उधर कुछ मिनट तक निहारते हैं और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप फिर उस सभा से अपने आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। इस बार वहां पर आए गांव वाले महात्मा बुद्ध पर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वो बुद्ध के बारे में न जाने कितने ही अपशब्द कहते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध उनके किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं देते और वहां से वो आश्रम की ओर चले जाते हैं। और अब की बार भी वहां पर उपस्थित महात्मा बुद्ध के सभी शिष्यों में से कोई भी शिष्य महात्मा बुद्ध से कोई सवाल नहीं करता। अगले दिन महात्मा बुद्ध की फिर से वही सभा आयोजित की गई। सभी गांव वालों को संदेशा भेजा गया, सभी को उस सभा में आमंत्रित किया गया, लेकिन अब की बार गांव से केवल 10 लोग ही उस सभा में आए हुए थे। अब की बार महात्मा बुद्ध फिर से उस सभा में आए, लेकिन इस बार उन्होंने इधर उधर नहीं देखा बल्कि उन्होंने इस बार आसन ग्रहण किया और अपना उपदेश देना शुरू किया। महात्मा बुद्ध ने उन 10 लोगों को धम्म का ज्ञान प्रदान किया और वे 10 लोग महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। और यह सब वहां पर उपस्थित महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य देख रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने हिम्मत जुटाई और महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आपने इतने दिनों लगातार इस सभा को आयोजित किया। इस सभा में गांव के लगभग हर लोग आए, लेकिन आप रोज आते और खड़े होकर इधर उधर निहारा करते थे और उसके बाद
बिना कुछ कहे यहां से चले जाते थे। ऐसा क्यों? क्या उन गांव वालों से कोई गलती हो गई थी, या फिर आप उन्हें उपदेश ही नहीं देना चाहते थे? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। अपने उस शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मेरे प्रिय, मैं तो उन लोगों की तलाश कर रहा था जो वास्तव में धम्म का ज्ञान लेना चाहते थे। पहले दिन करीब 500 लोग यहां पर एकत्रित हुए थे और दूसरे दिन उनकी संख्या घटकर केवल 100 हो गई थी, जिसमें से ज्यादातर लोग यहां सिर्फ मौज मस्ती करने ही आए थे। उन्हें ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानना था, उन्हें धम्म के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए थी। वे सभी लोग मेरा उपदेश सुनने यहां पर बिल्कुल नहीं आए हुए थे, लेकिन मैं इनमें से उन लोगों की तलाश कर रहा था जो वास्तव में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान, मेरे द्वारा दिए गए उपदेश को सुनना चाहते थे, जो उसके लायक थे, जो लोग वास्तविकता में इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहते थे, जो लोग मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने अंदर उतार सकते थे और उसका प्रचार और प्रसार कर सकते थे। मैं कई दिनों तक इस सभा में आता और बस यूं ही देखकर चला जाया करता था, क्योंकि मैं उन 500 लोगों में से सिर्फ उन लोगों का चयन करना चाहता था जो मेरे उपदेश के योग्य थे, जिन लोगों के पास वास्तव में इंतजार करने के लिए ज्ञान है, जो लोग धैर्य रखना जानते हैं, असल में वही अंत तक रहते हैं, और जिनके पास इंतजार और धैर्य करने का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। ऐसे लोग बहुत ही जल्द हार मान लेते हैं। वे लोग किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज धैर्य ही है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है, तब आप किसी भी कार्य में सफलता को हासिल नहीं कर सकते। अगर हम अपने जीवन में देखें तो अपने आसपास यही पाएंगे कि जिन लोगों ने कुछ पाने की जिज्ञासा रखी है और जिनके पास इंतजार करने का धैर्य है, वही लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सफलता से पहले हमें कई बार असफलता का मुख भी देखना पड़ता है, और अधिकांशतः लोग अपने पहली ही असफलता में अपने धैर्य को खो बैठते हैं और अपने उस लक्ष्य को पाने की लालसा भी छोड़ देते हैं, जिस कारण वो कभी भी अपने उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर केवल अपने आप को और भगवान को दोष देते रहते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता तो मैंने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया होता, अगर भगवान ने मेरा साथ दिया होता तो मैंने उस लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर लिया होता, अगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया होता तो आज वो लक्ष्य मेरे पास होता। और ऐसा करके उन्हें सांत्वना मिलती है, उनके मन को तसल्ली मिलती है कि उन्होंने कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें असफलता का मुख दिखना पड़ा, जिस कारण उन्होंने अपने उस लक्ष्य को छोड़ दिया और किसी अन्य काम में जुट गए, क्योंकि उनका मानना तो यही है कि वो लक्ष्य उनके नसीब में है ही नहीं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जो लोग धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को अनेकों बार असफलता का मुख देखना पड़ता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होते हैं,
चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस लक्ष्य को उन्हें हासिल करना है उसमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा। उस तक पहुंचने में जो भी तकलीफ होगी वो उठाने के लिए तैयार होते हैं। उनके सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे कैसा भी समय हो, वे लोग हार नहीं मानते, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता से आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे ही सही हम अपने लक्ष्य को अवश्य पा सकते हैं। और जब आपके भीतर धैर्य ही ना होगा तो आप भला निरंतर आगे बढ़ने की वो शक्ति कहां से लाएंगे? क्योंकि दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ छोटे या फिर बड़े लक्ष्य तो अवश्य ही होते हैं, और हम इन्हें हासिल करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन केवल वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं जिनके पास यात्रा के अंत तक चलने का धैर्य होता है। और जिन लोगों में धैर्य नहीं होता, वे अपनी यात्रा को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन जिन लोगों में अपनी मंजिल तक पहुंचने का जज्बा होता है, लालसा होती है, तीव्र इच्छा होती है और इंतज़ार करने का धैर्य भी होता है, वे लोग अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा? आपने जो कुछ भी सीखा है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी और हेल्पफुल भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।